नमस्कार। आज हमारे बीच अशोक धीवर क्षत्रिय जल छत्री जो रायपुर के कलाकार हैं, कवि हैं और मूर्तिकार हैं, संपादक हैं, कवि हैं, मौजूद हैं और आज हम इनका जन सरोकार मंच के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अशोक धीवर साहब अपने जीवन के बारे में, अपनी कविताओं के बारे में हमें बताएंगे। अशोक धीवर साहब नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप अपने बारे में श्रोताओं को बताएं कि आप कब से कविताएं लिख रहे हैं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में आपने कविताएं लिखी हैं, अनेक पुस्तकों का आपने संपादन किया है, प्रकाशन किया है और आप समाज सेवा के कार्यों में भी संलग्न रहे हैं, अपने बारे में आप बताएं। ऐसी चलते चलते गुनगुनाया करता था, छोटी मोटी तुकबंदियां बन जाया करती थी, वही आज इस पहाड़ जैसा बृहद स्थिति में कविताओं का सृजन होता जा रहा है और आप जैसे मनीषियों का शुभ आशीर्वाद और मेरे गुरुदेव की कृपा और सूझबूझ मेरे चाहने वालों की प्रशंसा से मैं कुछ गौरवान्वित हुआ हूँ, जिसके कारण ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मैं कविताओं को सृजन करके उत्कृष्टता देने में समर्थ हुआ हूँ। मैं अशोक धीवर साहब, आपके पिता पंडवानी गायक रहे हैं और पंडवानी छत्तीसगढ़ की लोक कला संगीत की एक शैली है। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप पंडवानी शैली में कोई गीत गाकर हमें सुनाएं। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, आपसे पंडवानी का कोई गीत सुनना चाहते हैं। हाँ सर जी, ये तंबूरा है, तंबूरा से, और ये है करताल। तंबूरा और करताल, इनकी आवाज सुनिए। तो इसमें हम एक आपको भजन सुनाते हैं। एक दिन छोड़ जग को जाना है, अपना नहीं बेगाना है। एक दिन छोड़ जग को जाना है, अपना नहीं ये बेगाना है। तू अकेला जाएगा, रोएगा चिल्लाएगा, तू अकेला जाएगा, रोएगा चिल्लाएगा, यम के दूत मारेंगे याद तब भी आएगा, यम के दूत मारेंगे याद तभी आएगा। बार बार तुझे पछताना है, अपना नहीं ये बेगाना है। एक दिन छोड़ जग को जाना है, अपना नहीं ये बेगाना है। तेरा खाता खोलेगा चित्रगुप्त बोलेगा, दुनिया में आकर के तूने क्या किया ये तोलेगा। तेरा खाता खोलेगा चित्रगुप्त बोलेगा, दुनिया में आकर के तूने क्या किया ये बोलेगा। अपने कर्मों का फल दिखाना है, अपना नहीं ये बिगाड़ना है। एक दिन छोड़ जग को जाना है, अपना नहीं ये बिगाड़ना है। पाप कर्म के बदले भोगेगा तू सुख पगले, पाप कर्म के बदले भोगेगा तू सुख पगले, जैसे कर्म होंगे तेरे
जन्म मिलेगा अगले, जिस घर में होंगे तेरे जन्म मिलेगा अगले, क्या राशि में नहीं आना है अपना नहीं ये बिगाड़ा है। इस प्रकार से ये छोटी मोटी भजन गाया करते हैं और हम लोग में पंडवानी शैली में छत्तीसगढ़ के लोकगीत को गाकर सुनाया है और बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं अशोक धीवर साहब कि आप अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में हमें बताएं कि साहित्य के प्रति आपके मन में कैसे प्रेम जागृत हुआ और फिर आपका काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, निरंतर आप पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते रहते हैं, तो अपने साहित्यिक कर्म के बारे में, अपने साहित्य सृजन के बारे में जन सरोकार मंच के श्रोताओं को, दर्शकों को आप जानकारी दें। साहित्य के बारे में मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा तुकबंदी लिखा करता था, जिसको हमारे गांव के ही साहित्यकार जिन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया गया है, वो विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी रहे, प्राचार्य भी रहे, लेक्चरर भी रहे, हमारे गांव के स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी नायक, उनके सानिध्य में मैं स्थानीय परिषद में जाने लगा था और उस समय सृजन साहित्य परिषद के नाम से तिलदानवरा में स्थानीय परिषद चलता था। किन्हीं कारणों के कारण वो नाम चेंज हो गया और अभी संकल्प साहित्य परिषद तिलदा नेवरा के नाम से चल रहा है। सर्वप्रथम मैं परिषद में जाया करता था तो अपनी कविता पाठ करता था, तो मेरी कविताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा ऐसा मुझे महसूस होता था। कोई मेरे कविता पाठ करते ही कोई बात करने लग जाते थे, कानाफूसी करने लग जाते थे, कोई उठ उठ के इधर उधर चले जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शायद कविता पाठ करना आता नहीं होगा, या मेरी आवाजों में कोई दम नहीं होगी, या फिर मेरा लय नहीं होगा, या फिर मेरी कविताओं में वो मधुरता नहीं है, वो उत्कृष्टता नहीं है, ऐसा मुझे महसूस होता था और मैं हीन भावना से ग्रस्त हो गया था। मेरा लेखन कार्य काफी दिनों तक बंद हो गया था। उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में छंद सिखाने वाली एक संस्था, जिसे संस्था तो नहीं कहते हम लोग, परिवार ही कहते हैं, एक परिवार की तरह बड़े प्रेम से रहते हैं सभी लोग, वहां कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं चलता। ऐसे हमारे अरुण कुमार जी निगम छत्तीसगढ़ी भाषा में छंद सिखाने का मोबाइल के द्वारा व्हाट्सएप में छंद सिखाते हैं। 2 साल मैंने कुछ नहीं लिखा था। उसी समय में मेरे एक अभिन्न मित्र ने उसमें जोड़ा, तो छंद परिवार में जुड़ करके मुझे बहुत खुशी हुई। रोज एक छोटा सा छंद लिख के भेजना होता था, छोटा छंद, ऐसा छंद लिखना है जिसको वरिष्ठ लोग जांच करते थे, 24 घंटा में एक छंद लिखना होता है, उस छंद को लिख करके व्हाट्सएप में डाल देते थे, उसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद वो लोग अपना विचार बताया करते थे, ये गलत है कि वो सही है, ऐसा कुछ। तो उस विचारधारा के अंतर्गत हम लोगों को सीखने की कुछ नई बात मिल जाती थी और शब्दों को छंद में पिरोने का मतलब हमको कहा जाए बंधन के अनुसार चलना पड़ता था। जैसे कोई कविता है बाबा आए बाजा लाए, तो इसमें तुकबंदियां हैं, लेकिन इसमें तुकबंदियां भी होगी, मात्राएं भी होंगी और शब्दों में उत्कृष्टता और लय में धारा प्रवाह होना चाहिए, ऐसा हमको छंद के बारे में महसूस हुआ, जानने को मिला।
और छंद में जब से मैं जुड़ा हूँ तब से बहुत सारी छंदों का सृजन कर चुके हैं। तो लगभग 3 साल में हम लोग 50 छंद को जान पाए हैं, सीख गए हैं। और अब मैं खुद गुरुदेव की कृपा से समीक्षक अर्थात गुरु जी बन गया हूँ। छंद परिवार में अभी 21 सत्र चल रहा है। मैं 7वें सत्र में शिक्षा ग्रहण किया हूँ और 15वें सत्र का मैं गुरु जी हूँ। जैसा भी बनता है, जो भी अपने बुद्धि के अनुसार उन लोगों को सिखाता हूँ, ज्ञान देता हूँ और खुद भी सीखता हूँ। क्योंकि छंद एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पर पूर्णता का अधिकार तो कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि छंद में जिस छंद को हम अच्छा समझ रहे हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी आएंगे तो वो कुछ न कुछ त्रुटि निकाल देंगे, उससे भी बड़ा और ज्ञानी आएगा तो वो भी उसके त्रुटि निकाल देंगे। तो हमने अभी तक देखा है बहुत से छंदों में पूर्णता तो अभी तक हमने देखा नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां सबके छंदों में रहती है। तो ये छंद का जो शैली है, विधा है, वो बहुत ही गंभीर विषय है। तो जैसा हमने दोहा छंद एक लिखा है, हमारे यहाँ लक्ष्मण मस्तूरिया जी का प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पड़ा है। वे स्वयं गीत लिखते थे और गाते भी थे। उनका छत्तीसगढ़ी में बहुत ज्यादा पकड़ रहा है और छत्तीसगढ़ी भाषा से ही उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। उनके बारे में मैं एक लिखा हूं दोहा साहित्य के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया जी का। लक्ष्मण मस्तूरिया हवे ये माटी के सान, लक्ष्मण मस्तूरिया हवे ये माटी के सान, साहित भाखा गीत के रखे हवे वो मान, छत्तीसगढ़ ही गीत ला लिख लिख के वो गाए, छत्तीसगढ़ ही गीत ला लिख लिख के वो गाए, बोली भाखा के अपन सुघर मान बढ़ाए, संग चलाओ कही के अपन सुघर गीत बनाए, संग चलाओ कही के अपन सुघर गीत बनाए, परे डरेला संग मा लेके संग राजा। ये आपको अशोक देवर जल छत्री जी, आपने हमें छंद के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ की जो काव्य परंपरा है उसमें छंद का बहुत महत्व रहा है और छत्तीसगढ़ी गीत जो हैं वो छंद में, छंद के बंधन में रचे बसे हैं, लेकिन जीवन के उन्मुक्त भावों को बहुत ही सहजता से वो प्रकट करते हैं। और आज की बातचीत में आपने इसके बारे में हमें बताया और छत्तीसगढ़ की जो लोक विरासत है और वहाँ इसके संरक्षण के लिए आपके जो प्रयास हैं वो सराहनीय हैं। इन सब बातों को जानकर हमें बेहद खुशी हुई और हम चाहते हैं कि आप अब हमें पंडवानी शैली में कोई और गीत गाकर सुनाएं और एक गीत और गाकर सुनाएं छत्तीसगढ़ी में के रूप में गाया जाता है, जिसमें हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विशेष रूप से महारत हासिल है छत्तीसगढ़ को, जिसमें हमारे यहाँ तीजन बाई पद्मश्री को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। मेरे पिताजी भी पंडवानी गायक थे और बड़े ही दुखद परिस्थिति के साथ उन्होंने अपने 50 वर्ष के
आयु में ही दिवंगत हो गए। मैंने सोचा कि मेरे पिताजी का कार्य आगे बढ़ना चाहिए, मेरे गांव में कोई पंडवानी गायक नहीं है तो कुछ मुझे प्रयास करना चाहिए। तो मैंने अपने 50 साल पूरा करने के बाद ये बात सोच रखा। अब 51 साल में मैंने पंडवानी सीखने का प्रयास किया और अभी मेरा सीखने का प्रयास भी जारी है। मैं भले ही प्रसिद्ध ना हो पाऊं, मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन मेरे आने वाले संतान हैं, पौत्र हैं, उन लोगों को मैं सिखा के जाऊं, ऐसा मेरा प्रयास है। और पंडवानी को जीवित रखूं, खास करके मेरे अपने परंपरा में, अपने पारिवारिक परंपरा में इनको हमेशा जोड़ के रखूं, ऐसा मेरा प्रयास है। मैंने भजन में और पंडवानी में सीखने का जो मन बनाया है वो साहित्य का ही एक विभिन्न विधा समझ करके किया हूँ। मैं कायाखंड का ही गीत बहुत ज्यादा लिखता हूँ। हमारे मनुष्य शरीर में आखिर रखा क्या है, लोगों को भजन के माध्यम से वही सुनाता रहता हूँ, शायद किसी को समझ में आ जाए, कोई पकड़ ले और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए उस सबक ले ले। यही प्रयास मेरा साहित्यिक प्रसिद्धि का कारण है। साहित्य में मैं इस तरह से सृजन का कार्य किया हूँ, मैं जनता से ही प्रेरणा लेता हूँ। ये पुस्तक मैंने 2015 में लिखी है, ये गद्य के रूप में है। इसमें गणेश जी के बारे में संपूर्ण कथा का विश्लेषण किया हूँ। हाँ, एकल काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, तो क्या ये वही करके ये फिल्म एक तपस्या करके शुभवाणी संगम, ये जंगल युग, ये मेरी माँ, ये भूमि पुत्र, बलिदान को नमन, ख्वाबों के परिंदे, काव्यमाला, काव्यधारा, मेरा परिवार, एक कदम, एक कप चाय और जिंदगी, शक्ति पुंज, दुनिया के रखवाले राम, मीरा भाई दीवानी, सफलता की राह पर, बसंत की बहार, रंगों की फुहार, फिसलती रेत सी जिंदगी, अक्षरों के साए, कुमुदिनी, साहित्य सुधा, साहित्य डायरी, हमारी शान तिरंगा, काव्य उषा, काव्यानुभूति, प्रेमानुभूति, अशोक धीवर जल छत्री जी, ये सर जी, अशोक धीवर जल छत्री ने अभी अपनी लिखी पुस्तकों के बारे में बताया। इनमें से कई पुस्तकों का आपने संपादन किया है और इन पुस्तकों के बारे में जानकर हमें बेहद खुशी हुई। आप निरंतर साहित्य साधना में संलग्न रहे हैं और हम अब आपसे आपकी कुछ कविताएं सुनना चाहते हैं। आप अपनी कुछ कविताएं हमें सुनाएं। हाँ जी, छत्तीसगढ़ी में मैं सुना रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ काहत काहत जिंदगी बीत गए, काहत काहत जिंदगी बीत गए, कतेक ला हम लड़बो, काकर आसरा करबो भैया, काकर आसरा करबो। ये भ्रष्टाचार के ऊपर में सरकार के लिए लिखना है।
काकर आसरा करबो भैया, काकर आसरा करबो, काहत काहत जिंदगी बीत गए, कतेक ला हम लड़बो, काकर आसरा करबो। कानून है तो अंधरा भई गे, और भैरा है सरकार, कर्मचारी और अधिकारी पुरौनी देते भ्रष्टाचार, ऐसन मा मजदूर किसान हम मरबो, काकर आसरा करबो भैया, काकर आसरा करबो। समस्या और अत्याचार है बढ़त, अनुशासन है बंबर बरत है, दुख पीरा मा मनखे मन कीरा सन मरत है, महंगाई के आगी मा हमी मन है जरबो, काकर आसरा करबो भैया, काकर आसरा करबो। पानी है अमोल हो गए, अब खून है बुहावत है, अमोल पानी अमोल मतलब वो बिस्लरी डिब्बा में बोतल में बिक रहा है पानी, और खून किसी का मर्डर हो रहा है जगह जगह, खून बह रहा है फ्री में, उसी को लिखा हुआ। पानी है अमोल हो गए, खून है बहावत है, हमारे भाई हमार मांसला चीट चीट के खावत है, पिए बर अंजरी माँ, अरे पिए बर अंजरी माँ, अपन आंसू ला भरबो, काकर आसरा करबो भैया, काकर आसरा करबो। अरे बहनी बेटी के इज्जत है, बहनी बेटी के इज्जत घलो यहाँ बेचावत है, ठग ठग के राजा हमर रंग रंग के नियम बनावत है, और घोट घोट जल छत्री, और घोट घोट जल छत्री रोवे, काकर बात ला धरबो, और कहत कहत जिंदगी बीत गए, कतेक ला हम लड़बो, काकर आसरा करबो भैया, काकर आसरा करबो। अब बहुत सुंदर अशोक धीवर जल छत्री साहब, आप लोग जीवन चेतना के कवि हैं, और आपकी कविताओं में शासन की जो बुराइयां हैं, शासन के का जो अत्याचार है, इसका बहुत ही सुंदर और सटीक चित्रण हुआ है, और जनता के की जो आवाज है उसको आपने अपनी कविताओं में प्रकट किया है, और आपकी कविताओं को सुनकर हमें बहुत खुशी हुई है। और अभी हाल में आपने जो दहेज दानव नाम का काव्य संग्रह संपादित किया है, इसके बारे में हमें बताएं। दहेज दानव, मैं तो ये कहता हूं महोदय जी कि जितने भी कवि हैं हमारे देश में, मैं सोचता हूं कि चुनाव लड़ने वाले सबसे ज्यादा व्यक्ति हैं, उसके बाद कविताएं लिखने वाले या साहित्यकारों की संख्या ज्यादा है। इतने साहित्यकार के रहते हुए भी हमारे देश को सही दिशा नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है? मैं इन्हीं बारों में सोचते रहता हूं कि ये जरूर कुछ न कुछ हम साहित्यकारों में ही कमी है, जो समाज को देश को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। संस्कृति सभ्यता और संस्कार को हम बता नहीं पा रहे हैं, समाज की कुरीतियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहता हूं कि अपनी लेखनी के द्वारा कुछ ऐसा पहल होना चाहिए कि जो समाज की बुराई को आगे लाए। हो सकता है उसको पढ़ने के बाद 1000 आदमी पढ़ेंगे तो 10 आदमी समझेंगे, 1 आदमी भी बदलेंगे, तो लिखने का कार्य जो है सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैंने नशा का पहला रचना लिखा, नशा नाश की जड़ है। तो मैंने सोचा अकेला लिखता रहूंगा तो मेरा एक ही जने का संदेश काफी नहीं रहेगा पूरे देश के लिए, शायद पूरे देश के कवियों को आमंत्रित करूं और उन सबका रचना सब लोगों को मिले। इस प्रयास से मैंने नशा नाश की जड़ को पहला अपना संग्रह निकाला। उसके बाद वो तो सुपरहिट हुआ ही है, उसके बाद अभी दहेज, यह भी हमारे समाज की कुरीति है, तो दहेज को मैंने इस प्रकार से लिखा है कि दहेज रूपी जो राक्षस है, उनका हाथ पांव कुछ है नहीं, उनको खिलाते पिलाते हम ही लोग हैं, दहेज तो हम ही लोग दे रहे हैं ना, दहेज का जी, कोई हाथ पांव नहीं है, दहेज रूपी राक्षस का हाथ पांव नहीं है, वो उसका पेट भरता नहीं, जितना भी देते जाओ, वो इसमें लिखा छपा हुआ है
ये चित्र में, ये इसके बिल्कुल पेड़ में मुंह से मैंने आपके आपके आपका भेजा हुआ काव्य संग्रह मुझे प्राप्त हुआ है और उसके आवरण चित्र पर मैंने देखा है कि आपने दहेज को दानव के रूप में चित्रित किया है। दहेज एक दानव है और यह दानव हमारे समाज की संस्कृति और इसके तमाम सुंदर जीवन मूल्यों की को ये खत्म कर देता है और लाखों करोड़ों लड़कियां कन्याएं जो हैं दहेज की बुराई के कारण आज वो एक अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर हैं और हमारे देश की सरकार दहेज प्रथा को लेकर करके निरंतर इसकी रोकथाम की चेष्टा में लगी हुई है, लेकिन सामाजिक जागरूकता के अभाव में दहेज की जो परंपरा है, दहेज की जो कुप्रथा है, ये खत्म नहीं हो पा रही है और आप इस कुप्रथा को मिटाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। साहित्य में दहेज प्रथा के खिलाफ आपने काव्य स्वर को आगे बढ़ाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहता हूं कि अब आप पंडवानी शैली में छत्तीसगढ़ का कोई एक गीत गाकर सुनाएं, हमें बहुत खुशी होगी। आप पंडवानी शैली में फिर कोई एक गीत गाकर सुनाएं, कविताएं आपने सुनाई, अपने विचारों को आपने रखा, अब एक गीत गाकर आप सुनाएं। मैं मड़वा रानी कोरबा में है, वहां पर पेंटिंग करने गया था तो हम रात रुके और जहां जहां मैं रात रुकता था वहां का नामो निशान के लिए एक गीत लिखता था, उसी गीत को मैं सुना जी। रहा हूँ। हाँ सुनाइए। मड़वा रानी मैया के महिमा अपार है, बिगड़ी बना दो मेरी विनय बारंबार है। मड़वा रानी महिमा अपार है, बिगड़ी बना दे मेरी विनय बारंबार है। बिगड़ी बना दे मेरी विनय बारंबार है। तेरे दर्शन को मैया बड़ा चलाया आया, तेरे दर्शन को मैया बड़ा चलाया आया, किस्मत ने मुझको मैया बहुत है रुलाया, किस्मत ने मुझको मैया बहुत है रुलाया। आशीष दे दे तू तो, आशीष दे दे तू तो, दया की भंडार है, बिगड़ी बना दे मेरी विनय बारंबार है। बिगड़ी बना दे मेरी विनय बारंबार है। तेरे दर पे आके मैया श्री फल चढ़ाऊं, लाल रंगिया तुझे को उड़ाऊं, तेरा तुझको अर्पण मेरा, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या अधिकार है। बिगड़ी बना दे मेरी विनय बारंबार है। तेरी रज कण को अपने माथे पे लगाऊं, तेरी कृपा से भव सागर तैर जाऊं, तेरी मर्जी के बिना, तेरी मर्जी के बिना सभी सुख बेकार है। बिगड़ी विनय बारंबार है, बिगड़ी बना दे मेरी विनय बारंबार है। तो अशोक धीवर जल छत्री जी, आपसे छत्तीसगढ़ी में हम लोगों ने इस गीत को सुना और आपने इसमें हिंदी का प्रयोग भी किया है और आप बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं और अपने मूर्तिकला के बारे में, चित्रकला के बारे में बताएं और हमें ये भी बताएं कि आपको हिंदी में और छत्तीसगढ़ी में किन किन कवियों ने प्रभावित किया, किन किन कवियों की रचनाओं को आपने पढ़ा है। तुलसीदास को तो आपने पढ़ा ही होगा, और किन किन कवियों को आपने पढ़ा है। कबीर भी हम लोगों के बहुत प्रिय कवि हैं और
अपने प्रिय साहित्यकारों के बारे में, अपनी मूर्तिकला के बारे में, चित्रकला के बारे में, इन सब के बारे में हमें आप बताएं। मूर्तिकारी मैं बहुत से पढ़ाई छोड़ने के बाद बहुत से कार्य करने लगा, इधर उधर बहुत सारा नौकरी किया। 2-3 साल तक मैंने कम से कम पेंट कंपनी, प्लाईवुड कंपनी, रोलिंग मिल जहां सरिया बनता था, केमिकल कंपनी, वेल्डिंग, बहुत सारा काम मैंने किया और अंत में परेशान होकर के सोचा कि मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए, मुझे मालिक बननी चाहिए। मालिक बनूंगा तो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। इस प्रकार से मैंने अपने अंतर वेदना को जाहिर किया जी। और ये मूर्तिकारी का काम मुझे गॉड गिफ्ट में मिला है। मैं कहीं सीखने अच्छा। के लिए नहीं कह रहा हूँ। अपने दीवालों में, घर के दीवालों में चित्र बनाया करता था, लोग मेरी खिल्ली उड़ाया करते थे कि घर को पूरा बिगाड़ दिए हैं, पुताई कर दिए हैं, भद्दा भद्दा पेंटिंग करने के लिए संपर्क करें ऐसा। अब ये हमारे द्वारा मूर्ति बनाई गई है, देखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भगवान गणेश की बहुत ही सुंदर मूर्ति आपने बनाई है आप। ये हाँ, 7-8 फीट 8 इंच होगा ये, और इसको हम इतनी बेहतरीन तरीके से बनाते हैं और इतना सफाई देते हैं कि ये संगमरमर का बना है, ऐसा चिकना लग रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसके बाद भी इसका रेट मुझे नहीं मिल पाता, इसका रेट लिखा हुआ है 350 रुपए और मैं अच्छा। इसको 100-150 रुपये में बेच देता हूँ, क्योंकि हाँ, मेरे गांव में कलाकारों का शोषण है, गांव में कलाकारों का शोषण है, लेकिन शहरों में आप जब आएंगे इन मूर्तियों को लेकर तो वहां पर ये इन मूर्तियों के अच्छे दाम भी आपको मिलेंगे। रायपुर वगैरह आप आइए और वहां के बाजार में ये बिकेंगी और आपको अच्छे दाम मिलेंगे। तो आपका प्रश्न ये है कि मूर्तिकारी मैंने इस प्रकार से प्रारंभ किया, गॉड गिफ्ट है मेरे को, और धीरे धीरे मैं दुर्गा जी की 8 फीट 9 फीट 10 फीट तक की मूर्ति बनाया करता हूँ, और वही मेरा 1 साल का मेहनत रहता है और उन्हीं का ही आय से हम लोग अपना घर का परिचालन करते हैं। और आपका प्रश्न एक और है कि छत्तीसगढ़ के किस कवियों से प्रभावित हुआ हूँ मैं। जी, यो तो बहुत से कवियों का नाम लेना चाहता हूँ, जैसा विशंभर प्रसाद यादव मरहा, ये अनपढ़ कवि अच्छा। है, ये एक भी कक्षा नहीं पढ़े हैं और 500 कविताएं, और वो भी हास्य की, अपने दिमाग में रखते थे, कंप्यूटर जैसा फटाफट वो बोल लेते थे। हम लोग तो अच्छा। कितना भी याद किए रहेंगे भूल जाते हैं, और वो हमेशा कंप्यूटर माइंड जैसा रहता था और कभी भी फटाफट बोल देते थे। उसके बाद खुदुराम दलित जी है, जो हमारे गुरुदेव के पिताजी रहे, खूबचंद बघेल के साथ में वो कविता पाठ किए हैं, सुंदरलाल शर्मा जी हैं, ऐसे ऐसे, और रामेश्वर वैष्णव। हाँ, रामेश्वर वैष्णव जी का नाम तो हमने भी सुना है। हाँ, सुरेंद्र पे, और अपना रामेश्वर शर्मा करके अभी और है, वो भी बहुत नम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही हम लोगों को प्रेरणा देने वाले साहित्यकार हैं। वो उनके मन में ऐसा नहीं है कि ये छोटा कवि है कि वो बड़ा कवि है, उनको ऐसा करूं वैसा करूं ऐसा नहीं है, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं अभी। और जी, लक्ष्मी कस्तूरिया जी से प्रभावित रहा हूं मैं, और इस प्रकार से कहा जाए कि विनय पाठक है, बलराम, बिलासपुर से बलराम जी है, उनका भी मैंने कुछ कुछ सान्निध्यता प्राप्त किया है, उनका धर्म और साहित्य में अच्छा पकड़ है बलराम जी का। तो इस प्रकार से मेरा है, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपने गुरुदेव श्री अरुण निगम जी को और मेरे स्थानीय परिषद के समस्त कवियों को।
तो अभी हास्य का अशोक चलन चल अशोक रहा धीवर, अशोक धीवर जल छत्री जी, है। हाँ जी, आप छत्तीसगढ़ के बारे में बताएं कि छत्तीसगढ़ के गांव में कैसा माहौल है, और वहाँ दहेज प्रथा वगैरह जैसी बुराइयां भी अगर प्रचलित हैं तो उनके बारे में बताइए, और छत्तीसगढ़ की अच्छी बातें क्या हैं इस प्रांत की, छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है उसमें जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो अच्छी बातें हैं वहाँ की, उसके बारे में भी हमें बताएं आप। हाँ, छत्तीसगढ़ ही में, हमारे छत्तीसगढ़ में दहेज प्रथा तो चल ही रहा है, वो तो सारे देश में चल रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है। और छत्तीसगढ़ में इतने भोले भाले लोग रहते हैं, हमारे दिल के सच्चे रहते हैं, बहुत मृदु रहते हैं। बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं छत्तीसगढ़ के लोग, जो हैं गांव में बेहद सीधे साधे लोग सब हैं, मेहनत कश हैं हाँ और बहुत सच्चे लोग हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ तो हमारा छत्तीसगढ़ धान उपज का बहुलता वाला प्रदेश है, इसीलिए धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। और किसान भाई यहाँ धान का खेती करते हैं, और जहाँ तहाँ गेहूं वगैरह का चलता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो 4 महीना काम करते हैं, 8 महीना बैठ के खाते हैं, इतना धनी है हमारे किसान भाई। और जैसा दिल के धनी है, मैं आपको बताता हूं कि बाहर के लोग आते हैं, उनको पानी मांगते हैं तो पानी के साथ साथ वो खाना भी खिला के दे देते हैं, रोटी दे देते हैं। और ये अतिथि बाहर सत्कार, अतिथि मुझे सत्कार अशोक छत्तीसगढ़ में, में पढ़ रहा था। छत्तीसगढ़ में अतिथि सत्कार की परंपरा है। और भी जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जो दूसरी बातें हैं उनमें नारी का सम्मान और दीन दुखियों के प्रति प्रेम का भाव, तो छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं अपने छत्तीसगढ़ में अतिथि सत्कार का भाव, जैसा कहा जाता है राम जी का, श्री राम जी का हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत संबंध रहा है। चंदखुरी करके एक है, हमारे छत्तीसगढ़ को पहले महाकौशल कहा करते थे। महाकौशल इसलिए कहा अच्छा जाता था कि यहाँ कौशल्या माता, भगवान श्री रामचंद्र जी की माँ कौशल्या का यहाँ मायका है, जो अच्छा चंदखुरी नाम से अभी प्रसिद्ध है। और भगवान राम जी का, कौशल्या छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, कौशल्या हाँ छत्तीसगढ़ की जी, बेटी हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ, तो उनको कौशल्या जो भांजे है जैसे के, जैसे सीता मिथिला की बेटी हैं, वैसे ही अशोक धीवर जल छत्री जी, आपने बताया कि महाकौशल जो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, तो कौशल्या यहीं की बेटी है। और फिर धन्य है ये धरती, धन्य है आपकी मातृभूमि, जन्मभूमि, और ये प्रांत और ये अंचल जहाँ कौशल्या जैसी नारी ने जन्म लिया है, और जो भारतीय नारियों की सच्ची आदर्श कही जा सकती है। तो हाँ, और शायद कौशल्या, माता हाँ, कौशल्या की इस जन्मभूमि पर दहेज प्रथा का प्रचलन है, ये एक कलंक की बात है। और जैसा कि आपने कहा कि दहेज प्रथा सारे देश में प्रचलित है, और इस बुराई का आप चाहते हैं कि ये बुराई जल्द से जल्द हमारे समाज से खत्म हो, और इसके लिए आपने एक बहुत सुंदर किताब आपने प्रकाशित की है, दहेज दानव। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। क्या आप हमें कोई और छत्तीसगढ़ी गीत सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आपके गीतों मैं को, आपके गीत हमें अभी निरंतर मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अगर आप कोई एक और गीत हमें सुनाना चाहें तो हमें खुशी होगी। तेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा, तेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा। फिर तू छुप छुप के किसको देता है धोखा, फिर तू छुप छुप के किसको देता है धोखा, जैसी करनी करेगा माना, वैसा फल भी मिलेगा तुझको। वो
ऊपर वाले कभी ना तुझको बख्शेंगे नहीं मुझको। मानव जीवन पाके, मानव जीवन पाके, न खोना सुनहरा मौका, फिर तो छुप छुप के किसको देता है धोखा। तेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा, फिर तो छुप छुप के किसको देता है धोखा। मोह माया में फंस करके, सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मोह माया में फंस करके यहाँ तू क्यों भुलाया है, क्या करने लगा प्यारे, क्या करने तू आया है। कर लो दर्शन निज आत्मा का, कर लो दर्शन निज आत्मा का, माया ने है सदा टोका, फिर तू छुप छुप के किसको देता है धोखा, फिर तू छुप छुप के किसको देता है धोखा। ये इस प्रकार से है हमारे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जनता हाँ भटका हुआ ऐसा लगता है मुझे, तो जैसे हमारे जनता लोग, हमारे देश के लोग, मनुष्य लोग अपने कर्तव्यों को, अपने फर्ज को भूल गए हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। तो इसके लिए मैंने एक कविता लिखी है, क्यों भटक रहा इंसान फिजूल में, क्या खोता क्या पाता है, पाप पुण्य को माने नहीं और झूठी शान दिखाता है। जितना शिक्षित हुए हैं वो पाप पुण्य को मानते नहीं, स्वर्ग नरक को मानते नहीं, भगवान को भी मानते नहीं, यहाँ तक से उनके ऊपर अस्तित्व का इल्जाम लगा देते हैं, भगवान जैसा कोई चीज नहीं है बोल देते हैं। तो इसी को मैंने लिखा है, पाप पुण्य को माने नहीं और झूठी शान दिखाता है, क्षण भंगुर सुख पाने के हेतु गलत काम भी करता है, कुकर्मों के फल को अपने भोग भोग कर मरता है, सुख आए तो हंसता फिरे, दुख में रोता रहता है, अमर हो तुम तो काहे किससे डरता है, पंच तत्व की ये काया तो मिट्टी में मिल जाता है, पाप पुण्य को माने नहीं और झूठी शान दिखाता है, क्यों भटक रहा इंसान फिजूल में, क्या पाता क्या होता है, सुख का रास्ता ढूंढ रहा है, बहुत सुंदर, सुख का रास्ता ढूंढ रहा है मंदिर और गुरुद्वारों में, पता प्रभु का पूछ रहा है, पत्थर ईटा गारों में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पत्थर चून चून के मस्जिद बड़ा बनाया है, कंकड़ पत्थर चून चून के मस्जिद बड़ा बनाया है, अल्लाह मौला चिल्लाते हो चढ़ के ऊंच मीनारों में। अरे छूटने वाले नश्वर चीज को, छुटने वाले नश्वर चीज को जीवन भर कमाता है, क्यों भटक रहा इंसान फिजूल में, क्या खोता क्या पाता है। तो इस प्रकार से नशा, नशा के ऊपर में कुछ लिखने का प्रयास किया है। तो अशोक धीवर जलछत्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने कार्यक्रम में भाग लिया, हम इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम समय अभाव के कारण आपसे अब आगे बातचीत अभी नहीं जारी रख पाएंगे, स्टूडियो में हमारा प्रसारण समय समाप्त हो रहा है। हम आपसे अगले कार्यक्रम में फिर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए अनुमति दें जी। आपका बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत सम्मान, आप स्टूडियो में आए, आपने हमें छत्तीसगढ़ी में गीत गाकर सुनाया, पंडवानी सुनाया, अपने पिताजी के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में बताया। आपकी साहित्य साधना सफल हो, और इसी कामना के साथ मैं राजीव कुमार झा आपसे विदा चाहता हूं, सादर नमन जी। धन्यवाद बहुत बहुत जो मुझ नाचीज को यहां पर लाके टिकाए, धन्यवाद।